Hello everyone, this is my Chumongya. Today we will do class 6 subject maths chapter 11 mensuration. Mensuration means measurement. Measurement हम करते हैं figures का, ठीक है? Figures हमारी होती है two types की, 2D figures और 3D figure. 2D, D means dimension. Two dimension means जिसमें length और breadth given होती है. Length और breadth given होती है, ठीक है? जैसे हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल. अब आपको कहना है सर्कल में कौन सी लेंथ रहते हैं, बट बेटा ये 2D फिगर्स में आते हैं क्योंकि जिनको हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं वो हमारी 2D फिगर्स होती हैं, ठीक है? 3D फिगर्स होती हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें होती हैं, ठीक है? डायमेंशंस मींस लेंथ, ब्रेथ, हाइट. जैसे हमारे कॉन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी हमारी 3D फिगर्स होती हैं. ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. इसमें 6th क्लास में हम ये 2D फिगर्स पढ़ेंगे. 2D फिगर्स में हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर और एरिया. क्या निकालेंगे इन सारी फिगर्स का, हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर और एरिया. 11.1 में हम पैरामीटर करेंगे. अब देखते हैं पैरामीटर का मतलब क्या होता है. लेट्स सी नाउ व्हाट इज पैरामीटर. पैरामीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, मींस टोटल लेंथ ऑफ द शेप, ठीक है? सम ऑफ ऑल साइड्स या टोटल लेंथ ऑफ द शेप. अब मान लो हमें कोई शेप दी है, ये हमें शेप दी है, ठीक है? इसका जो डिस्टेंस दिया हमें 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर. अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सारे साइड्स को प्लस कर देंगे. 10 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, सारे साइड्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ दिस बाउंड्री या दिस शेप. 10 प्लस 9 19 4 प्लस 3 7 2 प्लस 5 7 7 प्लस 7 14 19 प्लस 14 33 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, पैरामीटर ऑफ दिस शेप. क्लियर? तो ये होता हमारा पैरामीटर कि सारी साइड्स को अगर हम प्लस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, पैरामीटर ऑफ दिस शेप. कोई भी शेप आपको दे सकते हैं, जैसे ये शेप दिया हमें, मान लो ये शेप दी है, इसका हमें पैरामीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितनी जितनी इनकी लेंथ दी है, मान लो यहाँ पे दिया 12 सेंटीमीटर, 2 3 3 2 3 3 2, तो हम इसका पैरामीटर निकालने क्या करेंगे, 12 प्लस 2 प्लस 3 12 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2. देखो सारी साइड्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर हम सारी साइड्स की लेंथ को अगर हम प्लस कर दे तो इसकी क्या आ जाएगी, पैरामीटर आ जाएगी, 12 प्लस 2 14 14 प्लस 3 17, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 2 13, तो टोटल आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर. क्लियर? लेट्स सी नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल हूज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है? तो हमारे पास ये रेक्टेंगल है जिसके अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है. इसमें हमारे पास दो लेंथ है और दो हमारे पास ब्रेथ है, ठीक है? अगर हम इसका पैरामीटर निकालें तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है? अब इसमें टू लेंथ है और टू ब्रेथ है, मींस 2L प्लस 2B.
अगर हम इसका 2 बाहर ले लिए तो हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला बना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो यहां पे अगर हम इसकी यहां पे हमें इसके साइड्स ये बनो, मान लो हमें साइड्स ये बना है 4 और 6, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे 2 × 6 + 4, 6 + 4 = 10, 10 × 2 = 20 सेंटीमीटर। अगर मीटर है तो हम मीटर लगा देंगे, अगर सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, 2 × लेंथ + ब्रेथ। अब हमें निकालना हो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हूज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, वो रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स इक्वल, चारों साइड्स इक्वल है, तो इसका पैरामीटर क्या बनेगा हमारे पास, यहां फॉर्मूला लगा देंगे 4 × साइड, क्लियर। अब मान लो यहां पे हमें सैंडविच की जो साइड दी है वो दी है 7 सेंटीमीटर, सारे साइड्स इक्वल होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो पैरामीटर कितना हो गया 4 × 7 = 28 सेंटीमीटर। अब देखो अगर हमें निकालना हो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या निकालना है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। अब हमें ट्रायंगल गिवन है, इसकी जितनी साइड्स हमें गिवन है, जितनी जितनी सेंटीमीटर, मींस मान लो यहां 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तब हम कैसे निकालेंगे इसका पैरामीटर, 4 + 5 + 6, लास्ट में सेंटीमीटर लगा दें तो कितना पैरामीटर आ गया इसका, 4 + 5 = 9, 9 और 6 = 15, तो 15 सेंटीमीटर ट्रायंगल का हमारा क्या आ गया, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। ये तो की अगर हमें पैरामीटर की साइड्स अलग अलग दी हो, अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, मान लो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला भी लगा सकते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला आएगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 3 × साइड आ जाएगा, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है 3 3 3, जैसे स्केयर का हम निकालते हैं 4 × साइड कर देते हैं, इस तरह से अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम कितना कर देंगे 3 × साइड, तो कितना आ जाएगा 3 × 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, जो भी फिगर आ जाए, तो हमने उनका एरिया कैसे निकालना है, सारी साइड्स को प्लस कर देना है। अगर हमारे पास रेगुलर कोई यहाँ पे रेगुलर शेप आ जाए, जैसे जैसे यहाँ पे हमारा आ गया पेंटागन, ठीक है, पेंटागन एक पॉलीगन हूज ऑल साइड्स आर इक्वल, 5 साइड्स आर देयर, पेंटागन में हमारी 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल है हमारी, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, रेगुलर शेप मीन सारी साइड्स इक्वल है जिसकी, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देंगे, 5 × साइड, क्या फॉर्मूला लगा देंगे, 5 × साइड, क्योंकि 5 साइड्स हैं और हर एक साइड इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे 5 × 2, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर, क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज असाइनमेंट 11.1 का। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, स्क्वायर इज 44 मीटर लॉन्ग, इट्स पैरामीटर इज 4, ऑप्शन है हमारे पास, तो सिंपल है बिल्कुल ये, देखो यहाँ पे साइड कितनी दी है 44, ठीक है, और हमने क्या निकालना है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होगा 4 × साइड, 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा 4 × 4 = 16, 1 आगे कैरी 4 × 4 = 16 और 1 = 17, तो कितना आ गया 176 मीटर। लेट्स सी विच ऑप्शन इज आर आंसर, आंसर सी ऑप्शन 176 मीटर। लेट्स स्टार्ट सेकेंड एमसीक्यूज, सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हूज पैरामीटर इज 88 मीटर एंड ब्रेथ इज 12 मीटर। हमारे पास क्या गिवन है, ब्रेथ गिवन है 12 मीटर, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ क्या फाइंड करना है,
लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास पेरीमीटर कितना गिवन है, 88 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इंट्रो में, 2 × लेंथ + ब्रेथ, 88। अब हमारे पास लेंथ गिवन नहीं है, ब्रेथ गिवन है, तो लेंथ को हम एल लिख देंगे। एल लिख दिया हमने लेंथ को, क्योंकि लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है। ब्रेथ कितनी है, 12। अब ये जो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहां पे आके डिवाइड हो गया। ठीक है, 88 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 88 को, तो कितना आ जाएगा, 44। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 44। ब्रेथ हमारे पास 12 थी, तो हम यहां 12 लिख लेते हैं। तो लेंथ निकालेंगे, 44 − 12, ये जो प्लस 12 इधर आगे क्या हो गया, −12, तो कितना आंसर आ गया, 32 मीटर, क्योंकि ये मीटर था हमारे पास, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी हमारा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, 32 मीटर हमारा आंसर आया। देखो कहां पे हमारा ऑप्शन, ये रहा 32D, तो दीज आर आंसर। लेट स्टार्ट थर्ड एमसीक्यूज। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 2.5 सेंटीमीटर, देन पैरामीटर ऑफ द हेक्सागन। अब यहाँ पे आपको हेक्सागन का मतलब पता होना चाहिए। हेक्सागन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। रेगुलर हेक्सागन मीन्स सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है, और हेक्सागन की 6 साइड्स है, तो लेंथ ऑफ वन साइड हमें कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें पैरामीटर ऑफ क्या निकालना है, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 × साइड। तो 6 साइड्स होती हैं, सारे साइड्स इक्वल हैं, तो 6 × साइड्स 2.5, 6 × 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 × 5 = 30, 6 × 12 और 3 = 15, 15.0 सेंटीमीटर। तो कितना पैरामीटर आ गया हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसका आंसर, इसका आंसर आ गया हमारा ए, 15 सेंटीमीटर। लेट स्टार्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज 22 मीटर, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ईडी एंड सीडी इज। अब हमारे पास ये फिगर है, फिगर में हमारे पास ये 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स, तो हमें इसका पैरामीटर गिवन है। अगर हम इसका सिंपल पैरामीटर निकालें तो क्या निकलेगा, देखो हम सारे साइड्स को प्लस कर दें, 6 मीटर, बार बार मीटर नहीं लिख रही हूं मैं, ठीक है, 6 + 5 + x + x + 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 + 5 + x + x + 5 = इसका पैरामीटर हमें कितना गिवन है, 22 मीटर। क्लियर, अगर हम इनको प्लस कर लें, 6 + 5 = 11, 11 + 5 = 16, x + x = 2x = 22, ठीक है। अब ये 16 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, −16, 22 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। अब हमें यहां x की वैल्यू निकालनी है, 2 को 6 के नीचे ले जाते हैं, तो x हमारे पास कितना आ गया, 3 मीटर। अब ईच इक्वल साइड्स कितनी आ गई हमारे पास, 3 मीटर, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास आंसर, बी। लेट स्टार्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ एमसीक्यू है हमारा, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 30 मीटर by 22 मीटर, द लेंथ ऑफ वायर फॉर फेंसिंग इट इज। मीन्स हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वायर फॉर फेंसिंग, फेंसिंग होता है उसके चारों तरफ हमने बाड़ लगानी है। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके चारों तरफ हमने क्या लगानी है, वायर लगानी है, तो मीन्स हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। तो इसकी लेंथ ब्रेथ हमें दी है 30 मीटर by 22 मीटर, मीन्स लेंथ हमारे पास कितनी है, 30 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, 22 मीटर। हमें पैरामीटर निकाल देने, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको, 2 × लेंथ + ब्रेथ, 2 × 30 + 22 कितना आ गया,
30 plus 22 52। 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 104। अब यहाँ पे मीटर है तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया मीटर, तो 104 मीटर क्या आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ वायर फॉर फेंसिंग। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन वाला आंसर है, सी 104 मीटर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास ये फिगर्स गिवन है, इनका हमें पैरामीटर निकालना है, इनके हमें साइड्स की लेंथ भी गिवन है। तो देखो फर्स्ट फिगर, इसके पैरामीटर निकालने हैं, बहुत आसान है। क्या करेंगे सारों को प्लस कर देंगे, 4 + 4 + 2 + 3, ठीक है, सेंटीमीटर को हम बाहर लिख देते हैं। तो कितना आंसर आ गया, 4 + 4 = 8, 8 + 2 = 10, 10 + 3 = 13। इसका आंसर आ गया 13 सेंटीमीटर। अभी देखो सेकेंड फिगर है, सेकेंड फिगर के हमें क्या दी हुई है, सारों की लेंथ दी है। ये हमारे पास हेक्सागन है, 6 साइड हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6, और 6 में सारे साइड्स हमारे पास क्या है इक्वल हैं। तो इसके पैरामीटर निकालेंगे हम, या तो आप क्या करो 3 + 3 + 3 6 times plus कर दो, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं 6 × साइड, क्योंकि हमारे पास ये रेगुलर हेक्सागन है, तो 6 × 3 मीटर। तो कितना आंसर आ गया, 18 मीटर। सेंटीमीटर हो तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे, मीटर हो तो हम इसमें मीटर लगा देंगे, ठीक है। लेट सी थर्ड फिगर जो हमारी दी है, इसका पैरामीटर निकालना है हमें। ये हमें लेंथ दिया 22 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ दिया हमें 14 सेंटीमीटर। इसका हमें पैरामीटर निकालना है, 22 सेंटीमीटर + 14 सेंटीमीटर, कितना आ गया आंसर, 36 सेंटीमीटर।